भारत माता की, भारत माता की। आज तो वट पाड़ी दी तो तमें लोगों ने। चारे तरफ केसरिया महाकुंभ देखा है जे, केसरिया महाकुंभ। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, राज्य के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जीतू भाई, राज्य के उपमुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल, केंद्र सरकार में मंत्री परिषद के मेरे साथी, राज्य सरकार के सभी मंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और विशाल संख्या में पधारे हुए गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आदरपूर्वक वंदन करता हूं, नमन करता हूं। जिन लोगों के बीच में जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण कालखंड बिताया हो, कभी किसी के स्कूटर पर, कभी किसी की मोटरसाइकिल पर, किसी की गाड़ी में, कभी पैदल तो कभी बस में, न जाने कितनी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। और वो सारे चेहरे आज फिर एक बार दर्शन करने का मौका मिला, जीवन धन्य हो गया। लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं, उस सामर्थ्य को समझता हूं, और संकट की हर घड़ी में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे सिपाही ने भूतकाल में कैसे कैसे संकट झेले हैं, कैसे कैसे जुल्म सहे हैं। जब कभी भारतीय जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता सत्याग्रह करते थे, हमारे सामान्य परिवार की महिलाएं भी बच्चों को साथ लेकर के सत्याग्रह में आती थी, और वो ये कांग्रेस के लोग जब सरकार में थे, राजनीतिक आंदोलन, समाज के प्रश्नों को लेकर के आंदोलन, ये जेलों में बंद कर देते थे, और कभी 21 दिन की सजा, कभी एक महीने की सजा, और हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारजन बच्चों के साथ जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुआ करते थे। ऐसे जुल्म सह करके, ऐसे अत्याचार सह करके, डरे बिना झुकने का तो नामो निशान नहीं था।
सीना तान के खड़े रहे और आज भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज हिंदुस्तान में चहुं और फहराने में देश भर के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प, ये पुरुषार्थ और गुजरात के कार्यकर्ताओं ने की हुई सफल यात्रा, ये इसके मूल में है। और इसलिए ऐसे देव दुर्लभ लक्षावधि मेरे साथियों को उनके आशीर्वाद पाना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है दोस्तों, जो आज मुझे आपने दिया है। त्योहार के दिन है, नवरात्रि के बाद 15-20 दिन तक गुजरात में व्यापार रोजगार के सिवाय कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल जाता है। जब मुझसे आज 16 तारीख मांगी गई तो मैंने कहा था, भाई दिवाली तो गुजरात का सबसे बड़ा महोत्सव होता है, क्या लोग दिवाली छोड़ के आएंगे? और मैं हैरान था, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक स्वर से बोले, नरेंद्र भाई अरे तमें तारीख आपो ने बस। और उनकी बात मैं आज देख रहा हूं, शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कार्यकर्ताओं का इतना विशाल केसरिया महाकुंभ मैंने कभी नहीं देखा। और वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, एक तरफ वंशवाद में पली बड़ी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, पार्टियां हैं, दूसरी तरफ आदर्शों और विचारों को लेकर के संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टियां हैं। ये संकल्पबद्ध समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी के दर्शन हो रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव एक यज्ञ होता है और चुनाव के यज्ञ में लोकतंत्र के सभी सिपाही, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले सभी मतदाता उस यज्ञ के माध्यम से और अधिक अच्छा करने का, और अधिक पवित्र भाव से करने का, और अधिक योगदान पड़े तो देने का, इस चुनाव के यज्ञ में, लोकतंत्र के इस यज्ञ में हर कोई जुटता है। लेकिन सतयुग से हम सुनते आए हैं, रामायण महाभारत के कालखंड से सुनते आए हैं, जब जब यज्ञ होता है तो रुकावट डालने वे भाई रुकावट करने वाले कमी नहीं रखते हैं। जितने विघ्न डाल सकते हैं वो डालते हैं, और जिनको इस यज्ञ का फल नहीं मिलने वाला है उन लोगों के लिए अड़चने पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, यज्ञ को अपवित्र करना, इसके बिना उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सतयुग हो या कलयुग हो, यज्ञ के अंदर अड़चनें पैदा करने वाले आते ही रहेंगे, लेकिन यज्ञ को समर्पित लोग संकल्पबद्ध होकर के निर्धारित लक्ष्य के साथ इस चुनाव युग को
चुनाव यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है भाइयों बहनों। प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विशेषता की बहुत दल इस देश ने देखे हैं, बहुत सरकारें देखी हैं। धन बल पर चलने वाली पार्टियां, बाहुबल पर चलने वाली पार्टियां, वंशवाद पर पलने वाली पार्टियां, इसके सामने शत प्रतिशत लोकतांत्रिक व्यवस्था से नीचे की इकाई से ऊपर तक पार्टी को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था, और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। और अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, कोई अनुमान लगाने वाले, कोई सर्वे करने वाले कल्पना तक नहीं करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा विजय प्राप्त होगा। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन देश के पॉलिटिकल पंडितों ने कह दिया था अब विपक्ष ने 2019 के चुनाव की चिंता छोड़ करके 2024 पे माइंड खपाना चाहिए। 19 मोदी को दे दो, 24 की सोचो। भाइयों बहनों, ये विजय यात्रा उन्हें परेशान कर रही है। मैं पिछले दिनों जो पार्टी इतने सालों तक सत्ता पर रही, जिस पार्टी ने लंबे अरसे तक देश का नेतृत्व किया, जिस पार्टी ने अनेक प्रधानमंत्री दिए, जिस पार्टी ने अनेक सरकारें दी, अनेक मुख्यमंत्री दिए, जिस पार्टी ने एक 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 परिवार से इतने सारे नेता दिए, लेकिन वो पार्टी इतनी नीचे गिर सकती है? उनकी भाषा इतनी नीचे गिर सकती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था भाइयों। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, इस पार्टी का हाल ऐसा कैसे हो गया। उसका मूल कारण यही है कि उन्हें सकारात्मक सोचने का सामर्थ्य खो दिया है। नकारात्मकता के आधार पर झूठ के सहारे भ्रमित करके लोगों को चुनाव जीतने के उनकी सोच, उनके तरीके उनको कभी सफल नहीं होने देंगे। और जब जब गुजरात का चुनाव आता है, उनको बुखार जरा ज्यादा आता है, उनको जरा तकलीफ ज्यादा होती है। भाइयों बहनों, इस परिवार और इस पार्टी के लिए गुजरात आंख में हमेशा चुभता रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पार्टी ने, इस परिवार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, वो इतिहास गवाह है दोस्तों, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अरे मणिबेन पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी, उसके साथ क्या व्यवहार किया, इतिहास गवाह है। हमारे मोरारजी भाई देसाई, देश के गुजरात से प्रधानमंत्री बने तो इसी टोली ने दुनिया भर में यही फैला दिया कि वो क्या पीते हैं और क्या नहीं पीते हैं। उनके काम की, उनके परिश्रम की, उनकी दीर्घ दृष्टि की
महात्मा गांधी के विचारों के प्रति उनके समर्पण की एक बात कभी उभर करके आने नहीं दी गई। मोरारजी भाई को हर प्रकार से नेस्त नाबूद करने के लिए ये परिवार पूरी ताकत से जुड़ गया था। गुजरात उनको पसंद नहीं है। हमारे बाबू भाई जसभाई पटेल जनता मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया था और जीत 1975 में गुजरात में जनता मोर्चा की सरकार बाबू भाई जसभाई के नेतृत्व में बनी थी, उसी दिन भ्रष्टाचारी कांग्रेस का मृत्युगण बच चुका था। उस बाबू भाई जसभाई की सरकार को भी टिकने नहीं दिया, आपातकाल में सरकार को तोड़ दिया। गुजरात के प्रति उनका द्वेष सिर्फ उनके विरोधियों के लिए नहीं, अपनों के लिए भी। अगर बलि चढ़ाना है तो पहले गुजरात वाले को चढ़ाते थे। माधव सिवाय सोलंकी गुजरात में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीट दिलाने का काम माधव सिवाय ने किया था। केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय था, लेकिन एक चिट्ठी लेकर के गए, चिट्ठी लेकर के, और बोफोर्स के मामले में इस परिवार को बचाने के लिए वो मैदान में आए। और जब नौबत आई तो माधव सिंह भाई का इस्तीफा ले लिया गया, उनको घर भेज दिया गया और उस परिवार को बचा लिया गया। गुजरात के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल का क्यों ना हो, ये परिवार, ये पार्टी मौका नहीं छोड़ती उनको खत्म करने के लिए। मैं तो एक मुख्यमंत्री था, अरे आपके पास पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत थी उस समय। कैसे कैसे षड्यंत्र किए थे आपने, मुझे जेल में डालने के लिए आपने तय किया था जब तक अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे। और आज देख लिया सच कैसे उभर करके आ गया। हम कहां हैं, आप कहां हैं। ये जहर, ये गुजरात के प्रति द्वेष, गुजरातियों के प्रति द्वेष, और उसी का परिणाम पंडित नेहरू ने जिस नर्मदा योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन इसलिए आंख में वो चूपती थी क्योंकि सरदार सरोवर नर्मदा योजना की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और यही कारण था कि उसको पूरा नहीं होने दिया गया। कोई कल्पना कर सकता है आज से 40-50 साल पहले ये नर्मदा योजना का काम पूरा हुआ होता तो आज गुजरात कहां से कहां पहुंचा होता? क्या ये किसी को सोचने के लिए जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन भाइयों बहनों, बेशर्मी के साथ झूठ की भी कोई हद होती है क्या? हमें पूछते हैं नर्मदा पूरी क्यों नहीं हुई। गुजरात के बच्चे बच्चे को पता है नर्मदा के लिए हमें कितना जुल्म सहना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके कालखंड में ये पाली तणा का डैम बना था, पाली तणा का, आप हैरान होंगे जब तक गुजरात में मोदी सरकार नहीं बनी थी तब तक 20-30 साल बीत गए थे। पाली तणा डैम में पानी आता था लेकिन पानी ले जाने के लिए एक भी नहर नहीं बनाई थी। जिन लोगों को पाली तणा डैम की नहर बनाना नहीं आया था वे आज हमें पूछ रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश में हमने एक सपना रखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हमारे देश के किसान को पानी मिल जाए वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो हमने पहले राउंड में ढूंढा कि कौन से प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। मैं हैरान हूं कांग्रेस के इतनी इतनी सरकारें आके गई, 30-30, 40-40 साल पुराने डैम के काम, नहर के काम,
कैनाल के काम 90 से ज्यादा ऐसे ही लटके पड़े थे। 50,000 करोड़ रुपयों के बजट से उन 90 डैम के काम आज हमारी सरकार करवा रही है। इनको इनको काम पूरा करना इनकी रुचि में नहीं था भाई, ये इनके स्वभाव में नहीं था। इतना ही नहीं, इन दिनों जब मैं गुजरात में था तो एक स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम चलाता था, टेक्नोलॉजी ड्रीवन था, ग्रीवेंस रिड्रेसल की योजना थी और उसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ था, अवार्ड मिले थे उसको, बड़ी यूनिक व्यवस्था थी और मैं नागरिकों से सीधा संवाद करता था। उसी तर्ज पर उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मैंने दिल्ली में जाकर के प्रगति नाम का कार्यक्रम शुरू किया और देश भर के चीफ सेक्रेटरी के साथ महीने में एक बार बैठता हूं, भारत सरकार के सभी सचिवों के साथ बैठता हूं और पुराने लटके पड़े प्रोजेक्ट को ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं। आप हैरान हो जाएंगे मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे गुजरात के भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने कैसा कैसी तबाही की है आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। पार्लियामेंट में रेलवे के प्रोजेक्ट घोषित हुए हो, बजट की बातें की गई हो, रोड के प्रोजेक्ट बने हो, डैम के प्रोजेक्ट बने हो, बिजली के कारखाने के प्रोजेक्ट लगे हो, जाकर के किसी मंत्री ने पत्थर लगा दिया हो, वाहवाही लूट ली हो, 30-30, 40-40 साल से उस पर एक रुपया खर्च नहीं किया गया, ऐसी सारी योजनाएं लटकी पड़ी थी, मैंने उसको निकाला। छोटे छोटे कारणों से लटकी पड़ी थी, अब तक करीब 12 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा, कल्पना करिए 12 लाख करोड़ रुपया इसके प्रोजेक्ट लटके पड़े थे, उनको मैंने चालू करवाया है। ये कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर हमेशा भागती रही है। भाइयों बहनों, मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत करे, लेकिन मैंने देखा है या तो कौमी सांप्रदायिक तनाव वाले इश्यू उठाना, लोगों को भड़काना, चुनाव निकाल देना, या तो जातिवादी जहर फैलाना, लोगों को बांटना, चुनाव निकाल देना, या तो लोगों को भ्रमित करना, चुनाव निकाल देना। विकास की कॉन्क्रीट बातों के आधार पर कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की है। मुझे आशा थी इस बार गुजरात में कम से कम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी चुनौती को कांग्रेस प्रकार स्वीकार करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं है और इसलिए जो गुजरात पहले उनको पसंद नहीं था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पसंद नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं थी, भारतीय जनसंघ पसंद नहीं था, आप हैरान होंगे, ज्योति संघ अहमदाबाद में एक संस्था चल रही है, 50-60 के दशक में पंडित नेहरू ज्योति संघ के कार्यक्रम में आए थे और मैंने सुना है, लोग मुझे बताते थे, हम तो बहुत बालक थे तो पता नहीं उस समय क्या हुआ, लेकिन जो बाद में सुना था वो कहते हैं कि ज्योति संघ के कार्यक्रम में पंडित नेहरू ज्योति संघ बोलना भूल जाते थे और बार बार जनसंघ बोलते थे, बार बार जनसंघ, इनके जहन में उस समय, तब की जनसंघ एक बालक था, अभी तो पालने में जुल रहा था, तब भी पंडित नेहरू कांप रहे थे जी। आज भारतीय जनता पार्टी से इनका कांपना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, इन्होंने गुजरात को नफरत की, जनसंघ को नफरत की, भाजपा को नफरत की, कभी हमें कौमवादी कहा, कभी गांधी जी का हत्यारा कहा, कभी हमें उच्च वर्ण का कह दिया, कभी हमें शहरी पार्टी कह दी, हर बार नई गाली देना, नई गाली देना, लेकिन उन्होंने देखा
कांग्रेस का एक भी आरोप हम पर चिपका नहीं। उन्होंने हमें दलित विरोधी कहा, आज संसद में सबसे ज्यादा दलित बीजेपी के एमपी है। उन्होंने हमें आदिवासियों का विरोधी कहा, आज सबसे ज्यादा आदिवासी संसद में भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने हमें शहरी पार्टी कहा, आज सबसे ज्यादा किसान एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने हमें उच्च वर्ण का कहा, आज सबसे ज्यादा ओबीसी के एमपी भारतीय जनता पार्टी के संसद में बैठे हुए हैं। उनकी सारी बातें जनता ने मार ठोक करके जवाब दे दिया। भाइयों, अब जब कुछ नहीं चला तब विकास को ही गाली देना शुरू कर दिया। अरे विकास को नफरत करके कांग्रेस पार्टी की जहन में विकास के प्रति नफरत है। कौन कहता है गांव को सड़क नहीं चाहिए? कौन कहता है गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? कौन कहता है शहर में गरीब बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में दवाई का प्रबंध ना हो? कौन कहता है हमारे देश में बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, युवाओं के लिए कमाई ना हो, बुजुर्गों के लिए दवाई ना हो? ऐसा कौन चाहेगा भाइयों? ये विकास के बिना कैसे संभव होगा? ये विकास ही तो है। लेकिन भाइयों बहनों, उनका रास्ता, उनको आदत एक ही चीज की लगी थी, भ्रष्टाचार। डूबे हुए रहे भ्रष्टाचार में उनकी सरकारें, उनके नेता, उनके परिवार भ्रष्टाचार में डूबे रहे। आप कल्पना कर सकते हो, जो जेल में सजा काट रहे हैं, जमानत पे आए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मंच पर साझा करते हैं, जो जमानत पर छूट के आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, मां और बेटा जमानत पे आए हुए, ये कांग्रेस पार्टी जमानती पार्टी है दोस्तों। ये हमें सवाल पूछ रहे हैं। और इसलिए जिसके मुखिया, जिनके भ्रष्टाचार पे आरोप लगे हो, कोर्ट में जमानत लेकर के बाहर रहना पड़ता हो, कैसे लोग गुजरात का भला कर सकते हैं? कैसे लोग गुजरात को बचा सकते हैं? भाइयों बहनों, मुझे गुजरात की जनता पे भरोसा है, मुझे गुजरात की जनता की दीर्घ दृष्टि पर भरोसा है। जब भी गुजरात की जनता को मौका मिला है, 67 में गुजरात की जनता ने कांग्रेस को उसी समय विदाई करने का मन बना लिया था, कुछ वोटों से बच गए थे, और तब से लेकर के कभी गुजरात में कांग्रेस के पैर नहीं जमने दिए। और मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, और जो लोग उनके लिए ताली बजाते हैं उनको भी पूछता हूं, जो उनके लिए बाजे बजाते हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, जो लोग उनके लिए दिन रात गीत गाते रहते हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी तो क्या कारण था कि उनकी पार्टी के 25% एमएलए चुनाव के पहले कांग्रेस को अलविदा कर गए? क्या कारण? राजनेता हवा के रुख को जानता है, और ये तो खाटी कांग्रेसी लोग रहे हुए हैं जिन पर कांग्रेस का हमेशा भरोसा रहा है। ऐसे लोगों ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? जरा अपने घरेवान में देखो, क्या हाल हो गया है आपका? और आप भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? मैं आज फिर चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है, आओ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो। लोगों को भ्रमित करने के खेल बंद करो। भाइयों बहनों, खास कर हमारे गुजरात ना व्यापारी भाइयों बहनों जोड़े आज बात करी, जीएसटी बधाने खबर से आ देशनी बधीज पॉलिटिकल पार्टीओ कांग्रेस समेत आ देशनी बधीज राज्य सरकारों
अने बधी ज पार्टी नी सरकारो छे। आप राज्य सरकार अने केंद्र सरकार ए भेगा मळीने जीएसटी नो निर्णय करे छे। जीएसटी नो निर्णय पार्लामेंट नथी करती, जीएसटी नो निर्णय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नथी करता। जीएसटी ना बधा ज निर्णयो आ बधी ज पॉलिटिकल पार्टी नी सरकारो भेगी मळीने करे छे। એમાં પંજાબની કોંગ્રેસ સરકાર પણ હોય છે, કર્ણાટકની કોંગ્રેસ સરકાર પણ હોય છે, મેઘાલયની કોંગ્રેસ સરકાર પણ હોય છે, એમાં તો ભારત સરકાર આખા એ મીટિંગના રૂમમાં ત્રીસમો ભાગ હોય છે, ત્રીસમો ભાગ બધા ઇક્વલ હોય છે અને એમાં નિર્ણય થાય છે। અને એટલે કોંગ્રેસના લોકોને जीएसटी ना नामे जुठाणा चलावानो हक नथी। आ निर्णय मां तमे बधा भागीदार छो। अने हूँ वेपारी आलमना संपर्क में रहू छू, गया बे महीना थी लगातार जीएसटी आया पछी एमना सुख दुख समझवा माटे लगातार प्रयास करू छू। मने गर्व छे आ देश मां नानामां नानो वेपारी पण સરકારની માથાજીકથી મુક્તિ હંમેશા ઈચ્છે છે અને એને લાગે છે કે જીએસટી આ સરકારી માથાકુંડમાંથી મુક્તિનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે અને એટલા માટે જીએસટી એને ગમે છે। પણ આ નવી વ્યવસ્થા છે, આપણે પહેલા દિવસથી કહ્યું છે કે ત્રણ મહિના પછી રિવ્યુ કરીશું અને ત્રણ મહિના પછી મેં રિવ્યુ કર્યો। વેપારી આલમ, વ્યાપાર જગત, ઉદ્યોગ જગત આ બધાની મુશ્કેલીઓમાંથી કેટલું કરી શકાય આ બધા મુદ્દા મીટિંગમાં મૂક્યા। કોંગ્રેસની સરકારોને પણ સમજાવી કે આ કરવું પડે અને એના આધારે જીએસટીમાં હમણાં 10-15 દિવસ પહેલા ઘણા બધા બદલ કર્યા। હજુ પણ ઘણા નવી વ્યવસ્થા છે, આઝાદ ભારતમાં પહેલી વાર આવી છે, એમાં ખામી હોય તો સરકાર જનતા જનાર્દનની સરકાર છે, આ બધી ખામીઓ દૂર કરવા માટે લગાતાર પ્રયત્ન કરે છે, વચન આપે છે નહીં પ્રયત્ન કરે છે। અને પ્રયત્નનું પરિણામ છે કે દેશમાં જીએસટીની અંદર જોડાવા માટે લાખો નવા વેપારીઓ જોડાઈ રહ્યા છે। અને મને વિશ્વાસ છે કે આ દેશ તો વેપારી જેને કોઠા સૂજ હોય છે એના વ્યવસ્થા જરૂરી લાગે છે, પણ એના અમલીકરણમાં એને જેટલી સરળતા જોઈએ એની એની માંગણી હોય છે। અને એવા જેટલા મુદ્દા ધ્યાનમાં આવે છે દરેક જીએસટી કાઉન્સિલની મીટિંગમાં મારા તરફથી મુદ્દા મુકાવવામાં આવે છે અને એનો નિકાલ સામૂહિક ચર્ચા કરીને કરવામાં આવે છે। આજે પણ હું વિશ્વાસ આપું છું, મારે વેપારી આલમને બીજી પણ એક વાત કરવી છે। કેટલાક વેપારીઓને કેટલાક લોકો જેને ભડકાવે છે કે તમે જો આ બધું ફોર્મ ભરવા માંડ્યા ને આ મોદી છે, આજનું ફોર્મ જોઈને બધું જૂનું કાઢશે અને કહેશે કે આ 2017માં આટલું કર્યું તો 15માં કેટલું હતું, કેમ કહેતા નથી। હું વેપારી આલમને વિશ્વાસ આપું છું, સરકારના શબ્દના ભરોસાની તાકાત હોય છે। આ ભાજપ છે, કોંગ્રેસ નથી। મેં વેપારીઓને શબ્દ આપેલો છે કે આજના તમારા હિસાબ કિતાબના આધારે તમારા જૂના કોઈ પણ ચોપડાનો હિસાબ નહીં કરવામાં આવે, કારણ દેશમાં એક ઈમાનદારીનું વાતાવરણ બન્યું છે, ઈમાનદારીના માર્ગે દેશ આગળ વધવા માંગે છે। યુવા વેપારી આલમ ઈમાનદારીના રસ્તે આગળ વધવા માંગે છે અને જ્યારે ઈમાનદારીના રસ્તે બધા આગળ વધતા માંગતા હોય ત્યારે સરકારે એ રસ્તો કોઈ પણ બંપ વગરનો બનાવો એ સરકારની જવાબદારી છે, જેથી ફૂટફડાટ ઈમાનદારીના રસ્તે દેશ આગળ વધે એના માટે કામ કરીએ છીએ। નોટબંધી,
मैं क्या सोशल मीडिया में क्या छापा में वाचू कि कांग्रेस पार्टी 8 नवंबरे जे दिवसे नोटबंदी थई थी ए दिवसे ब्लेक डे मनावानी छे। केटलो सरस सूझ्यू बोलो एमने। अमे 8 नवंबरे ब्लेक मनी मुक्ति दिवस मनावाना छे अने ए लोको ब्लेक मनी डे बनावाना छे। अजू कळवळती नथी बधी थप्पीओ गई ने उभरो आवे छे उभरो। भाईओ बहनो मैं गुजरात में पण कह्युं तो हूँ आ तिजोरी पर कोई पंजो पड़वा नहीं दो। आने दिल्ली गया पछी पण जेमने जेमने गरीबों लूट्यू छे एमने गरीबों ने पाछु आपवुं ज पड़शे। मोदी कोई ने छोड़वानो नथी। मने खबर पड़े छे कांग्रेस ने तकलीफ शू छे। दुखे छे पेट ने कूटे छे माथू। भाईओ बहनो नोटबंदी ने कारण 3 लाख करोड़ रुपया जेनु पहला कोई सरनामू नतु। बधा कहता आना त्या पड़ा छे पेला त्या पड़ा छे पेला ना भोयरा मां पड़ा छे पेला ना लॉकर मां पड़ा छे सरनामू नतु। आ नोटबंदी ने कारण 3 लाख करोड़ रुपया जेनो कोई हिसाब नतो एनु सरनामु सरकार ना हाथे लागी गयु। कारण बैंक में जमा करायो त्यारे एमने खबर नहोती कि मोदी पाछळ पूंछडू मुकेलू छे। अने आ नोटबंदी ने कारण सेल कंपनीओ फर्जी कंपनीओ पकड़ाणी। आपणे त्यां एक कंपनी बंद थाय ने एक तो महीना सुधी आंदोलन चाले। आप जाणीने आश्चर्य थशे भाईओ बहनो भारत सरकारे आजे 3 लाख करोड़ रुपया शंकाना घेरामां छे एनी बधुं खोदकाम चाले छे। आ बधा आंकड़ा क्यांथी आया कया भाईए मूक्या सरना मूक्या तू कई बेंकमां मूक्यू बधुं वैज्ञानिक रीते काम चाली रह्युं छे। 2,10,000 कंपनीओ अत्यार सुधीमां हाथमां आई 2,10,000। एक झाटके मोदी सरकारे 2,10,000 कंपनीओ ने तारा मारी दीधा। आ देशमां कोई हलचल ज नथी। कोई आंदोलन नहीं कोई मोदी नुं पुतळुं नथी वाळतुं। एक कंपनी बंद करी होय तो मोदी नुं पुतळुं वाळे। 2,10,000 बंद करी कोई हुंकारो कारण भागी गया खोवाई गया। अने 2,10,000 कंपनीओ केवी एकज सरनामू होय नानी ओरडी नू 400 कंपनीओ एमां रजिस्टर थयेली होय। मैं एवी कंपनीओ जोई आखा अमारो खोदकाम विभाग जे बधा आंकड़ा नू खोदकाम करे छे ने डाटा माइनिंग जे लोको करे छे एवी कंपनीओ जोई जे सेल कंपनी मां 2,000 बैंक एकाउंट छे। एक कंपनी ना 2,000 बैंक एकाउंट। आप विचार करो केवा गोरख धंधा चालता हशे। आ 2,10,000 मां एने बंद तो करी पछी अमे ऊंडा उतर्या अने 5,000 सैम्पल केस लीधा। फक्त 2,10,000 मां मात्र 5,000 ज हेतु हाथ लगाड्यो छे। एनू खोदकाम चालू कर्युं बैंको में एना मूळिया शोध्या। तमने जाणीने आश्चर्य थशे मात्र 5,000 कंपनीओ आ बोगस कंपनीओए 8 नवंबर थी 15 दिवस में नोटबंदी पछी 5,000 कंपनीओए 4,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा कराया। हवे मने को मारे एमने छोड़वा जोईए
છોડવા જોઈએ. આ દેશના ગરીબોનું છે કે નહીં? આ દેશના મધ્યમ વર્ગનું છે કે નહીં? મધ્યમ વર્ગનો માનવી ઈમાનદારીથી જીવે, મધ્યમ વર્ગનો માનવી કોઈ વગર ટિકિટે પ્રવાસ ના કરે, મધ્યમ વર્ગનો માનવી છોકરાઓને ફી ભરે, મધ્યમ વર્ગનો માનવી એને પૈસા મકાન ખરીદવું હોય તો કાળા પૈસા ના હોય મકાન ના ખરીદી શકે. આ બધા ચોર લૂંટારાઓના કારણે સૌથી વધારે કોઈ પીસાતું હોય તો મારો મધ્યમ વર્ગનો ભાઈ બહેન પીસાય છે. આ મધ્યમ વર્ગના ભાઈઓને કોણ બચાવે? એના પરનો ભાવ કોણ હટાવે, ઓછો કરે? અને એટલા માટે ભાઈઓ બહેનો, 5000 કંપની 4000 કરોડ રૂપિયા, જે દિવસે 2,10,000 નું બધું હોદકાર ચાલશે ત્યારે કેવો મોટો ડલ્લો નીકળવાનો છે, તમે અંદાજ કરો ભાઈ. આ પૈસા પ્રજાના છે, એમના બેંકના ખાતા પર તાળા મારી દીધા છે, એમની કંપનીઓ પર ખાતા મારી દીધા, તાળા મારી દીધા છે. એટલું જ નહીં, એના જેટલા ડિરેક્ટરો છે એમને પણ બીજી કોઈ કંપનીમાં ડિરેક્ટર રહેવાના હક છીનવી લીધા છે. ભાઈઓ, આ દેશને ખૂબ લૂંટ્યો છે ભાઈઓ, અને મારા માટે દલ સે બડા દેશ હૈ. આ દેશનું ભવિષ્ય મારા માટે મુખ્ય છે, અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યને માટે અમે કામ કરનારા લોકો છીએ. ભાઈઓ બહેનો, હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિમાં લોકોએ સમજવું પડશે આ છે શું. આ પન્ના પ્રમુખ લોકોને સમજણ જ નથી પડતી, આ હીરા પન્ના છે કે શું છે? મતદાર યાદીનો એક પેજ પ્રમુખ જેમાં 50-55 વોટર હોય એની જેને જવાબદારી છે એવા કાર્યકર્તાઓ છે. સંગઠન કેટલું ગ્રાસરૂટ લેવલ પર કામ કરી શકે છે ભાઈઓ બહેનો, આ ચુનાવ હમારે લીએ વિકાસવાદ કા જંગ હૈ, ઉનકે લીએ વંશવાદ કા જંગ હૈ. ઓર મેં આપકો વિશ્વાસ દિલાતા હું, વિકાસવાદ જીતને વાલા હૈ, વંશવાદ હારને વાલા હૈ. ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસ કે લોકો કી સોચ કૈસી હૈ મેં બતાતા હું. જબ મેં યે સુજલામ સુફલામ યોજના ઇસકે લીએ સોચા, પાણી સમંદર મેં જા રહા થા, મેં ઉત્તર ગુજરાત કે લોકો સે કહેના ચાહતા હું, યે કોંગ્રેસ વાલો કો પહેચાનો, સુજલામ સુફલામ યોજના કોંગ્રેસ કે એક વરિષ્ઠ નેતા એમએલએ થે, મેં ઉનકી બડી ઇજ્જત કરતા થા, બડી આયુ કે થે, ગાંધીયન થે. વો એક બાર મુજે મેરે કમરે મેં મિલને આયે, મુખ્યમંત્રી થા તબ. વો એકદમ સે ઝુક કરકે મુજે નમસ્તે કિયા, મેં ખડા હો ગયા. મેને કહા આપ તો મેરે સે બડે હૈ, આપ એસા મત કીજીએ. ઓર ઉનકે આંખ મેં એકદમ સે પાની આ ગયા, મેરા હાથ ઉનોને પકડ લિયા. ઉનોને કહા નરેન ભાઈ, ये जो सुजलाम सुफलाम योजना से ये कच्ची कैनाल बना करके आप जो पानी लाए हो ना, 100 साल तक उत्तर गुजरात प्यासा उत्तर गुजरात कभी आपको भूलेगा नहीं. आपने इतनी बड़ी सेवा की है. भाइयों बहनों, समंदर में पानी जा रहा था, उस पानी को मैं उत्तर गुजरात ले गया. 6 મહિને કે ભીતર ભીતર 450 કિલોમીટર કી ભાઈ કેનાલ બનાઈ, ઉત્તર ગુજરાત કો એક બહોત બડા જીવતદાન દિયા. હર બાર સુખે મેં જીને વાલા ઉત્તર પ્રદેશ ઉત્તર ગુજરાત કા મેરા કિસાન, ઉસકો નઈ જાન મિલ ગઈ. ઓર કોંગ્રેસ ને ક્યાં ક્યાં યે બડી મહત્વપૂર્ણ બાત મેં બતાતા હું, મેરે ઉત્તર ગુજરાત કે ભાઈ બહેન, યે એક બાત એસી હૈ, આપ કોંગ્રેસ કો કભી માફ મત કરના. જબ મેને સુજલામ સુફલામ યોજના બનાઈ, રાજસ્થાન મેં કોંગ્રેસ કી સરકાર થી, કોંગ્રેસ સરકાર ને ભારત સરકાર કો ચિઠ્ઠી લિખી, ગહેલોત વહાં મુખ્યમંત્રી થે, ઉન્હોને ગુજરાત સરકાર કો ચિઠ્ઠી લિખી, હમે નોટિસ દી
ये पानी राजस्थान को पूछे बिना उपयोग नहीं कर सकते हो। ये पानी लेना बंद करो सुजलाम सुफलाम में। समंदर में जा रहा है, गुजरात की सीमा से गुजर रहा है, पानी समंदर में जाने वाला मैं रोक रहा हूं, उन्हें कहा कुछ भी नहीं, इस पानी पर हमारा हक है, आप पानी नहीं ले सकते हो। ये अशोक गहलोत की सरकार की चिट्ठी आज भी गुजरात सरकार में मौजूद है, आज भी गुजरात सरकार में मौजूद है। उत्तर गुजरात के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये कांग्रेस सरकार, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार, ये राजस्थान के कांग्रेस के नेता हमें सबक सिखाने आए हैं। उत्तर गुजरात में सुजलाम सुफलाम का पानी, मैंने उत्तर गुजरात का भाइयों बहनों बाकी लोगों जरा को आज सुजलाम सुफलाम है, उत्तर गुजरात ने बचाव्यो के न बचाव्यो, खेडूत ने बचाव्यो के नहीं बचाव्यो, पानी पहुंचाड़ियो के नहीं पहुंचाड़ियो, उसके सामने इन लोगों ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी से सिवाय सत्ता कुर्सी उसके खेल, परिवार को बचाना, वंशवाद को सलामत रखना, यही उनका एक एजेंडा है। उनको न देश की चिंता है न समाज की चिंता है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? ये आपका भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, आपके दर्शन करने का मौका मिला है। मैं 22 तारीख को नए वर्ष में फिर एक बार आ रहा हूं, और वो मैं मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आ रहा हूं। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल को छुआ हुआ है, गोगा दहेज रो रो फेरी सर्विस। ये नया साल का तोहफा होगा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब अखबार में पढ़ता था, स्कूल में कांग्रेस सरकार बलवंत राय मेहता के जमाने में से वादा करती थी कि दहेज गोगा, गोगा दहेज फेरी सर्विस शुरू होगी। भाइयों बहनों, जब मैं सरकार में आया तो मैंने कहा भाई बचपन में मैंने पढ़ा था, जरा फाइलें वाइलें निकालो, कुछ मिला नहीं, बयान देते रहते थे। आखिरकार मैं लग गया, जब मुख्यमंत्री था शिलान्यास किया था, मेरे लिए गर्व की बात है। ये पूरे हिंदुस्तान का अजीबो गरीब एक अजूबा अजूबा जैसा ये प्रोजेक्ट है, दुनिया में तो चलता है। सूरत में रहने वाले सौराष्ट्र के लोगों के लिए, दक्षिण गुजरात में रहने वाले सौराष्ट्र के लिए ये रो रो फेरी सर्विस एक बहुत बड़ा मिरेकल करने वाली है। 22 दिन के दूसरा दिन, 22 तारीख रविवार, गोगा आऊंगा, रो रो फर्विस फेरी सर्विस में बैठूंगा, और भावनगर से अगर जाना है तो जहां 8 घंटे लगते हैं, हम 1 घंटे में समुद्र के मास्ते से पहुंच जाएंगे। देश का तेल बचेगा, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, विदेशी धन बचेगा, लोगों की सुविधा बचेगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। ऐसा एक अद्भुत काम। और मैं आनंदीबेन विजय भाई दोनों को बधाई देता हूं कि मेरे इस मन के सपने को पूरा करने के लिए मेरे जाने के बाद भी बड़ा कठिन काम था, टेक्नोलॉजिकली बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने पीछे लगे रहे और उस काम को पूरा किया, और इसलिए मेरा मन वहां पहुंचने के लिए बड़ा लालायित रहा है। और इसलिए मैं 22 तारीख को आ रहा हूं और उस रो रो फेरी सर्विस का उद्घाटन करूंगा। भावनगर जिले गोगे से निकलूंगा और भविष्य में ये गोगा दहेज हजीरा तक जाएगा, हजीरा दहेज गोगा ये रेगुलर हो जाएगा।
मेरे सौराष्ट्रवासी जो दक्षिण गुजरात में रहते हैं, कार लेके निकलेंगे, कार लेकर के ही फेरी में चढ़ जाएंगे, अपनी कार में ही बैठे रहेंगे, एक घंटे में भावनगर पहुंच जाएंगे, ट्रक है तो ट्रक लेकर के चढ़ जाएंगे। अभी तो फेज वन होगा, अभी फेज वन होगा जिसमें पैसेंजर होंगे, लेकिन कुछ महीनों के बाद फेज टू होगा, तब व्हीकल के साथ जा पाएंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था भी आने वाले दिनों में गुजरात को, देश के लिए एक अजूबा आज गुजरात की धरती पर होने जाने वाला है, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। और इसीलिए मैं दिवाली के तुरंत बाद फिर एक बार आपके बीच आने वाला हूं। मैं इतनी बड़ी तादाद में आए हुए कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 6.5 करोड़ गुजराती, हर एक का एक ही मंत्र होना चाहिए, मैं कहूंगा हूं विकास छू, सारे गुजराती बोलेंगे हूं गुजरात छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू, हूं विकास छू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।